बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास मैथ्स केपीके की चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.6 में क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, सिंपलीफाई विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एक्स पावर पी प्लस वाई पावर पी इनटू एक्स पावर 2 पी माइनस एक्स पी वाई क्यू प्लस वाई पावर 2 क्यू। तो हमारे साथ ये फार्मूला है, पहले हमने डिस्कस कर दिया पहले चार क्वेश्चन में कि ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इनटू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ए बी। जब यहाँ पे प्लस हो तो ये माइनस होगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में हम इससे हम ये फॉर्म बनाएंगे और इससे हम फिर डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए क्या है एक्स पावर पी है, बी क्या है वाई पावर पी है। अब ए स्क्वायर, तो एक ए क्या है एक्स पावर पी है, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स पावर पी स्क्वायर। अब माइनस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, माइनस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो ए हमारे साथ है एक्स पी और बी हमारे साथ है ई क्यू है। वाई क्यू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो एक्स पी एंड वाई क्यू और प्लस बी स्क्वायर, तो बी हमारे साथ क्या है वाई पावर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये मेरे साथ ये फॉर्म बन गया। अब यहाँ पे देख ले ए बी ए स्क्वायर एक्स पावर पी होल स्क्वायर एक्स पावर टू पी, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पी मल्टीप्लाई बाई टू से आता है टू पी। इस तरह पी एक्स पी वाई क्यू इससे आता है और यहाँ वाई क्यू होल स्क्वायर वाई पावर टू क्यू इससे आता है। तो मतलब बी मेरे साथ इसके बराबर है, तो ये मैं लिख सकता हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्या है एक्स पी और क्यू मतलब और प्लस वाई प्लस बी क्यू, बी क्या है वाई क्यू है, तो बी क्यू विच इज इक्वल टू एक्स पावर पी और थ्री जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो पी मल्टीप्लाई बाई थ्री से आता है थ्री पी। तो एक्स पावर थ्री पी और प्लस वाई क्यू मल्टीप्लाई बाई थ्री से आता है थ्री क्यू। तो इसी के साथ फाइव सॉल्व हो गया, अवर एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हो गया। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।